8 राज्यों में PFI पर NIA की दूसरी दौर जारी, 7 सदस्य हिरासत में। आइए जानते हैं कौन से 8 जिलों में हुई ये दूसरी दौर जारी। नमस्ते, आप देख रहे हैं News 28 और मैं हूं नजरीन सुल्ताना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य जांच एजेंसियां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर दूसरे दौर की छापेमारी कर रही है। NIA ने कट्टरपंथी संगठन पर अपनी कार्रवाई जारी रखी। 8 अन्य राज्यों में भी छापेमारी की जा रही है। PFI के कई सदस्यों को हिरासत में भी लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहले दौर की छापेमारी में PFI नेताओं से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां मिली है। असम के 8 जिलों में 21 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। आज सुबह शुरू हुई ये छापेमारी अब भी जारी है। कर्नाटका में 7 PFI सदस्यों को निवारण हिरासत के तहत उठाया गया था। उन्हें स्थानीय तहसीलदार के सामने पेश किया जाएगा और न्यायिक हिरासत की मांग की जाएगी। गिरफ्तार हुए स्थानीय तहसीलदार को बॉन्ड जमानत देनी होगी। वे किसी भी अवैध गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे और समाज को खराब नहीं करेंगे। उन्हें अच्छा व्यवहार बनाए रखना चाहिए। कर्नाटक पुलिस ने तड़के जिला PFI अध्यक्ष और ASDPI सचिव को गिरफ्तार किया। PFI के जिला अध्यक्ष अब्दुल करीम और ASDPI सचिव शेख मासकसूद को गिरफ्तार कर लिया गया। वे किसी भी अप्रिय घटना और विरोध से बचने के लिए हिरासत में हैं। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए News 28।